इस ईद को मनाने के लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो ईद की नमाज होती है। मटन चढ़ गया और ये नेगेटिव असर हो गया इस पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो सीन कुछ ये है कि आज है जर्मनी में ईद, मतलब सारी दुनिया में ईद ऐसी हो गया पाकिस्तान और इंडिया के रीजन के अलावा, तो वहाँ पर ईद इंशाल्लाह कल होगी। तो ये बड़ी ईद है जिस तरीके से, बड़ी खुशियाँ हैं, तो बड़े भाई साथ हमारे हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई पंगा करेगा तो वहीं पर बिछा देंगे। तो वो बैठा भी हमारे पीछे बैठा भी है, बकरा जो है वो भी आ रहा है, ऐसे बात नहीं है। हाँ, तो लेला जो है वो भी आ रहा है, वो उस तरह सो गया था तो अभी उसको उठाया हमने बड़ी मुश्किलों से। और कसाई भी हमारे साथ है, बाकी एक कसाई हमारे प्रोफेशनल कसाई भी साथ है, छुरी वगैरह जो है वो सारे इसमें हमने औजार रखे हुए। तो अभी ये सीन है, बस जाकर अभी नमाज पढ़नी है, तकरीबन आधे घंटे के अंदर अभी नमाज होगी, उसके बाद जगह डालेंगे, पपियाँ डालेंगे, मुबारका देंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर खाने का जो है वो खुला डुल्ला इंतजाम है, मतलब सबको कार्ड छप गए हैं, बंट गए हैं, मतलब आ जाओ फड़ लो एक मिनट रात वाला गुजर गया, क्योंकि इस बार बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग हुई है और जो खाने के लिए जो चीज बन रही है वो बड़ी ही मुनफरिद है, उसके बारे में भी आपको इस आज के ब्लॉग में आगाह करेंगे, रेसिपी बताएंगे, कुछ न्यू करेंगे। हमेशा के ब्लॉग्स में वो पुरानी घिसी पिटी चीजें नहीं होंगी, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठोको ठोको ठोको। الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ليش هو مفضل قاعد يا اخي الله يطول عليكم ليش مفضل اخر واحد ايه مبارك ايه مبارك ايه مبارك ايه مبارك उधर मेरी टेंडर लेकर आप पूरे YouTube पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद वगैरह हमने पढ़ ली है और हम सब की तरफ से आप सब लोगों को मुबारक, कल तक की व्लॉग आएगा तो आप लोगों की भी ईद हो चुकी होगी इंशाल्लाह। तो अभी सीन ये है कि नमाज वगैरह पढ़ ली है, भूख बहुत टाइट किस्म की लगी हुई है और जिस तरीके से रात को हमने कुछ मीठा और फीका बना लिया था तो वो भी जाके फाड़ते हैं, और बाकी जो मेन कोर्स है उसका भी इंतजार है, वो भी बनेगा आपकी भाई अपने शादीशुदा हाथों से बनाएंगे, वरना कुआरे हाथों देने में क्या। तो वो भी अभी सामान वगैरह काफ़ी कुछ बनना है और अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत हैं आगे, तो जुड़े रहिए और चलते हैं। हाँ मिर्ज़ाक, फिर रात को अपने कुआरे हाथों से क्या बनाया तूने? कुआरे हाथों से मैंने बनाई रंग बिरंगी सेवियाँ और कस्टर्ड, मीठा कस्टर्ड तो जेली। Meanwhile, तो अभी सीन कुछ ये है कि आज है चांद रात, अभी तकरीबन रात के 2:30 बज रहे हैं, मैंने और मिसाक ने कुछ बनाए हैं डेजर्ट्स और साथ चना चाट बनाई है। पीटी का डिपार्टमेंट हमारा था, बिल्कुल लाजमी बात है, रात को ही बनाना पड़ना था क्योंकि सुबह वाले कुछ टाइम नहीं आना था, तो इसलिए हमने मीटिंग में अभी सब चीज़ें बना ली। Seven hours later. तेरे से पहले माजरत, क्योंकि हम कलेजी इस बार नहीं बना सके क्योंकि तेरी फेवरेट है हमेशा। अभी तक शौक में हूँ कि कलेजी नहीं बन रही ना, नहीं कोई नहीं, कलेजी इस बार नहीं बन रही क्योंकि इस बार और भी स्पेशल रेसिपीज हमने ट्राई करने की कोशिश करेंगे। कल परसों का हमने मैंने कुछ क्लिप्स बनाए हुए हैं जिसमें हम सामान लाए थे और कुछ मैरिनेशन वगैरह किया है, तो अभी आप वो इंजॉय करें, तब तक हम जाते हैं डॉम में और वहाँ पर जाकर इंतजाम करते हैं खाने पीने का। तो ईद में भी 2 दिन बचे हैं, आज 26 तारीख है और 28 को इंशाल्लाह ईद है और पाकिस्तान में 29 को होगी, और हमारी कुछ ईद सेलिब्रेट करने का इस बार मुनफरिद
अंदाज है और वो ये कि इस बार हम बनाने लगे हैं मटन रोस्ट बनाने लगे हैं और उसके लिए आज सामान वगैरह सारा ले आए हैं और अभी जो है मैरिनेशन चल रही है। गोश्त जो है मैरिनेट हो रहा है और दो दिन तक इसी को हम इस तरीके से मैरिनेशन प्रोसेस में रखेंगे और जिस दिन बनाएंगे और फिर उस दिन आपको दिखाएंगे। One eternity later. To you, happy birthday to you. Happy, happy birthday. I am here. तो फिलहाल अभी हमने हल्का पुल्का खाना खा लिया है, मतलब हैवी खा लिया, लेकिन मतलब हैवी वही है ये जो चना चाट बनाई थी रात को इतनी मेहनत से और सब्जियां वगैरह खा ली, दही भले खा लिए, लेकिन अभी यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज बनी है और जो खुशबू है ना पूरी आवाम मतलब चीज बना रही है, मतलब पूरी आवाम ऐसी ऐसी चीज बनी है कि पूरी आवाम की जरूरत पड़ी है। अब चीज क्या बन रही है वो जाके जरा ये आज के ब्लॉग का मकसद ये है कि आपको बताने कि हमने किस तरीके से बनाया है ना। तो चलो 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 सबसे पहले शुरू होते हैं जी बुखारी से। बुखारी भाई ने यहाँ पर बंस जो हैं वो बना दिए बर्गर के चिपोटले और यहाँ पे सॉस भी बन रही है, ये बुखारी स्पेशल सॉस तैयार हो रही है। हुए 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 इस तरीके से उसके बाद थोड़ी सी सरे लगाएंगे। अच्छा चलो ठीक हो गया। तो यहाँ पर आयशा आरिज और उस्मान तीनों बना रहे हैं बीफ पैटीज बर्गर के लिए ऑफकोर्स। तो अब जरा बताओ कि इसमें स्पेशल ऐसी क्या चीज है कि हम जो हम सब लोग जो है ना इसके लिए बैठे हुए हैं। स्पेशल ये चीज है कि जो कीमे की सही है और इसमें हमने डाला है प्याज। अच्छा और ये भी बहुत बड़े लग रहे हैं श्रिंकों के छोटे। बिल्कुल बिल्कुल प्याज डाला है, हरी मिर्च डाली है, नमक डाला है और प्याज डाला और जायके में मुझे जो है ना शेफ साहब बुला रहे हैं। तो अभी ये सब कुछ पैटीज वगैरह तैयार होके इस बन में जाएंगे। उस बन में जाने के पास ओ बर्गर बना रही है। वाह आपके क्या रिव्यूज हैं यार, ये बर्गर जो है बहुत इम्पोर्टेंट बर्गर, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब जिंदगी में ही बर्गर नहीं खाया तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है प्यार। प्यार प्यार वो साथ प्याज दो चीजें मिल गई ना तो ये कमाल हो जाएगा। अभी ये है लेवल टू, अभी लेवल थ्री भी स्टार्ट होने हैं और वो जो है ना ये जिसे लेवल पार किया वही लेवल थ्री में पहुंच सकते हैं। ऐसे ही है ना ये गेम चल रही है आज ईद उल अजहा गेम 2023। बर्गर ने क्या बर्गर बना दिया यार, बर्गर ने दो बर्गरों ने मिलके क्या बर्गर बना दिया। ओ हो बर्गर जो बना रहा है बर्गर जो कहते हैं वो खुद होता है। और एक और बर्गर ने और बर्गर बना लिया, बर्गर से बर्गर 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 हो गया आज। Six hours later. तो सीन कुछ अभी ये है कि दोपहर का हमने खाना फाड़ लिया था, बड़े जबरदस्त आयशा ने बर्गर बनाए थे। तो अभी शाम का खाना बिल्कुल तैयार है और आके भाई ने अपने और उस और मिजाक ने मिजाक ने कुआरे हाथ नहीं आए ऑलमोस्ट अब तो लेकिन बालू के भी तो कुआरे आते, मेरे भी कुछ कुआरे आते हैं। लैम रोस्ट बन गया है और साथ साथ आके भाई ने बनाए यहाँ पे पुलाव और हमारे पास दो अदर मेहमान भी आए हैं, वकार भाई जो पहले भी व्लॉग में आ चुके हैं और आज नया चेहरा था उधर। अभी हो रही है अनबॉक्सिंग मूवमेंट। लैम्ब रोस्ट है वो हमारा तैयार हो गया है और कुछ इंटरनेशनल लोग भी हमारे साथ आए हैं। सो शी इज फ्रॉम मोरक्को राइट? यस यस हर नेम इज नोहेला एंड शी इज आल्सो जॉइनिंग फॉर ईद एंड दिस इज अमेजिंग एंड वी आर सो हंग्री राइट नाउ। तो अभी चलते हैं खाना खाते हैं और लेट्स गो एंजॉय। I
यार थोड़ा सा मतलब दिल में है वो गट्स, लेकिन ऐसे इरान रोस्ट देखी ना मैंने तो वो सब खत्म पिघल गया, मतलब सख्त लोना पिघल गया तो कलेजी वलेजी भूल गया, सब चीजें खत्म, लड़ाई लड़ाई माफ करो। ये भी यहाँ पर चॉकलेट से फाइट हो रही है जो वकार भाई हमारे लिए लाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खाना बनाया आकिब भाई ने और अवैस ने, तो बहुत ही मज़ा आया और इतना हमने खा लिया कि अभी वॉक करने की हमें ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि हज़म भी करना है। और उसी सिलसिले में अभी हम जा रहे हैं सामने ग्रोसर गार्डन और वहाँ पर चलते हैं, ज़रा वहाँ का भी देखते हैं नज़ारा, काफ़ी दिनों बाद जा रहे हैं। शाम के 9 बज गए हैं और अभी तक अंधेरा नहीं आया और दिन जो है वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, अगर यही टाइम सर्दियों में होता तो अभी इस टाइम फुल अंधेरा होता, तकरीबन 4 से 5 बजे अंधेरा होता बिल्कुल। तो तो कैसा रहा फिर आज ईद का एक्सपीरियंस आपको? बहुत मजा आया, उधर हम बना बनाया खाते थे, इधर हमने खुद बना के खाया। हाँ जी बिल्कुल, क्या मजा है बना के खाने। तो हाँ ये एक बड़ी मेन चीज है कि पाकिस्तान की ईद और यहाँ की ईद में डिफरेंस यही होता है कि पाकिस्तान की ईद में अम्मी और सिस्टर वगैरह काम करती हैं और सब कुछ बनाती हैं, लेकिन यहाँ पर जब अपने हाथ से कुछ सामान वगैरह और सब कुछ खुद करना पड़ता है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और जिस तरीके से खाना वगैरह हमने बनाया, खाया पिया, फुल एंटरटेनमेंट की, और इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा इस व्लॉग में देखते। और अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। ईद मुबारक। बार मुझे ईद पे एक कमेंट आया था कि मैं कुछ बनाता नहीं हूँ, लेकिन ईद पे मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहता था। क्यों? मैं काम करता हूँ ना, हाँ तो मैं काम करता हूँ लेकिन इतना शो नहीं करता क्योंकि व्लॉगिंग मतलब क्लिप्स बना रहा हूँ, जब मैं काम करता हूँ तो मैं सिर्फ काम करता हूँ, उस टाइम क्लिप्स नहीं बनते और तो ऐसे ही होता है। और गोश्त मोटा बनावांगे इंशाल्लाह, अपने ब्याह ते भी खवावांगे, मच्छी बनावांगे कुछ और।